हेलो दोस्तों, आज सस्ता घर आपके लिए बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी लेकर आया। आज जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाऊंगा उसके अंदर काम काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है। बिल्डिंग का एलिवेशन भी काफ़ी अच्छा है, रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी है और दोस्तों बहुत ही अच्छे प्राइस पर प्रॉपर्टी आपको मिली है। सबसे पहले प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाऊंगा, फिर हम बात करेंगे आसपास की लोकेलिटी के बारे में, किस तरह के रोड आपको मिल रहे हैं, फिर हम बात करेंगे किस लोकेशन में प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या उसकी कनेक्टिविटी है, और लास्ट में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के लैंड टाइटल के बारे में और प्राइस के बारे में। तो लास्ट तक वीडियो से ज़रूर बने रहें। रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी है, बहुत ही अच्छे प्राइस में प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, ऐसा ना कोई चीज़ आपसे मिस हो जाए। तो लास्ट तक वीडियो से ज़रूर बने रहें। दोस्तों अब हम अपनी प्रॉपर्टी के सामने आ चुके हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी के सामने का रोड आपको किस तरह के मिल रहे हैं मैं आपको बता दूँ। 25 फीट के रोड आपको मिल रहे हैं। रोड अभी टूट रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिविल लाइन अभी डली है, तो रोड 102 महीने के अंदर तैयार हो जाएंगे, तो काफ़ी बड़े आपको रोड दिखाई देंगे। अब गवर्नमेंट सुविधाएं की बात करूँ तो इस बिल्डिंग के अंदर आपको आईजल की गैस पाइपलाइन और BSS के मीटर प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बिल्डिंग का एलिवेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्डिंग का एलिवेशन काफ़ी अच्छा आपको मिल रहा है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इन्होंने इसमें ग्रोविंग करके दे रहे हैं, मॉल्डिंग वर्क करके दे रहे हैं, आपका सीमेंट मॉल्डिंग वर्क करके दे रहे हैं और इसमें स्टोन फ्री टेक्सचर करके दे रहे हैं और लाइट वर्क भी काफ़ी अच्छा करके दे रहे हैं। और देख सकते हैं कि UPVC फ्रेम का भी यूज़ किया हुआ है, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ को वुड के डोर मिल रहे हैं और वुड की आपको विंडो मिल रही है। अब चलते हैं पार्किंग के अंदर, देखते हैं किस तरह की पार्किंग आपको मिल रही है। दोस्तों ये बिल्डिंग अभी फिनिशिंग फेज में चल रही है, 1 से 2 महीने के अंदर बिल्डिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। पार्किंग के अंदर देख सकते हैं इस बिल्डिंग के अंदर 2 फ्लैट हैं, एक फ्लैट 3BHK, एक फ्लैट 1BHK। 3BHK फ्लैट फ्रंट साइड में और 1BHK फ्लैट बैक साइड में, तो इसके अंदर 5 ही कार पार्क होंगी, तो सफिशेंट कार पार्किंग आपको मिल रही है और पार्किंग की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल फेस करनी नहीं पड़ेगी। और 150 गज की ये बिल्डिंग है। नीचे बात करें तो अंडरग्राउंड टैंक आपको मिल रहा है स्टोरेज के लिए और ओवरहेड आपको 1 जनरेटर का टैंक मिल रहा है। नीचे ग्रेनाइट की फ्लोरिंग आपको मिल रही है, ऊपर सरफेस लाइट आपको लगा के देंगे, वॉल के ऊपर आपको पेंट करके देंगे, हो सकता है इसमें आपको रस्टिक का टेक्सचर भी मिले। दोस्तों अब चलते हैं अपने स्टेयर्स की तरफ। ये आपका लिफ्ट स्पेस है, लिफ्ट भी देख सकते हैं आपका काम चल रहा है लिफ्ट का, तो लिफ्ट भी आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी तैयार मिल जाएगी, तो वर्किंग मिल जाएगी। इस बिल्डिंग के अंदर एक ही फ्लैट बचा हुआ है, तो वीडियो देखने के बाद अपना विजिट प्लान जरूर करें, ऐसा ना हो फ्लैट आपसे मिस हो जाए। और देख सकते हैं लिफ्ट का जो फ्रंट है, जो लिफ्ट की जो क्लाइडिंग करके दे रहे हैं उस पर, जिसकी ओपनिंग है, इसमें टाइल वर्क करके दे रहे हैं, ब्लैक कलर की टाइल लगाई हुई है, तो काफ़ी अच्छा वर्क आपको करके दे रहे हैं। अगर मैं बात करूँ स्टेयर्स की, तो 3.5 फीट इसकी चौड़ाई, 10 इंची का स्टेप, 6 इंची का राइजर आपको मिल रहा है ग्रेनाइट की फ्लोरिंग के साथ। अब चलते हैं अपने फ्लैट के अंदर, वहाँ जा करके देखेंगे किस तरह का फ्लैट है, किस तरह की फिटिंग और फिक्सचर के साथ आपको डिलीवर कर रहे हैं। अब चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। दोस्तों अपने फ्लैट के बाहर हम आ चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस फ्लैट की एंट्रेंस। 3.5 फीट बाई 8 फीट की एंट्रेंस आपको मिल रही है, डोर फ्रेम भी आपको 2.5 इंची बाई 5 इंची मिल रहा है, मॉल्डिंग से फिनिश करके दे रहे हैं। अगर बात करूँ फ्लश डोर की, तो इसमें आपको फ्लश डोर काफ़ी हैवी मिल रहा है, वीनी लगा के दे रहे हैं और पॉलिश से फिनिश आपको करके देंगे और इसमें SS का लॉक आपको मिल रहा है। एंटर करती है आपको अप्रॉक्स 16 फीट बाई 14 फीट का लिविंग डाइनिंग स्पेस मिल जाता है, जो अपने आप पे काफ़ी अच्छा साइज है। इसमें 2x4 की हाई ग्लॉस स्टाइल का यूज़ किया हुआ है, ग्लॉस काफ़ी अच्छा लग रहा है देख रहे हैं। ऊपर वर्टिकल कोप के साथ फॉल सीलिंग मिल रही है, इसमें 2 कोप्स दिए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग आपको दिखाई देगी और कोप में भी लाइट लगेंगी तो बहुत अच्छी फॉल सीलिंग लगेगी आपकी। कंसील लाइट का यूज़ किया हुआ है, स्प्लिट ऐसे कंड्यूट आपको मिल रहा है और वॉल के ऊपर मॉल्डिंग वर्क आपको करके दे रहे हैं। मॉल्डिंग से क्या होता है कि आपका जो ये लिविंग डाइनिंग स्पेस है काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। आप चाहते हैं इसमें वॉल पेपर भी ऐड कर सकते हैं बीच में, तो और अच्छी आपकी मॉल्डिंग निकल के आएगी, तो इस तरह से आप इसे और अपनी तरह से इन्हेंस कर सकते हैं। दोस्तों इसके सामने आपको ओपन किचन मिल रही है, किचन की एंट्री काफ़ी बड़ी है और काफ़ी बड़ी किचन आपको मिली है। अब चाहते हैं तो इस एरिया को हाइड कर सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर कुछ वुड वर्क करा सकते हैं, राफ्टर लगा सकते हैं, या आप चाहते हैं तो इसमें कुछ शोकेस टाइप में बना सकते हैं, स्टोरेज भी बना सकते हैं, तो इसको एज चाहते हैं तो इसमें आप एज ए काउंटर यूज़ कर सकते हैं, लो हाइट काउंटर जो लगाते हैं किचन के अंदर, उस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो इस एरिया को अपने तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं। यहाँ पर आप 2.5 फीट या 3 फीट की एंट्रेंस छोड़ने के बाद इस वाले एरिया को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। दोस्तों किचन भी काफ़ी अच्छी मिल रही है, काफ़ी बड़ी स्टोरेज आपको मिल रही है, देख सकते हैं ओवरहेड काफ़ी अच्छी स्टोरेज आपको मिल रही है, नीचे भी काफ़ी अच्छी बास्केट्स मिल रही हैं आपको, सारी इनोटेक बास्केट का यूज़ किया हुआ है, तो स्टोरेज की प्रॉब्लम बिल्कुल फेस करनी आपको नहीं पड़ेगी। ग्रेनाइट का टॉप आपको मिल रहा है एल शेप में, सिंगल बाउसिंग का आपको मिल रही है, आप देख सकते हैं आईजल भी ऊपर तक आपकी आ गई है, सिर्फ आपको आते ही अपनी रजिस्ट्री कराते ही अप्लाई करना है और आपकी आईजल चालू हो जाएगी। यहाँ पर फ्रिज का स्पेस आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर फ्रिज आप लगा पाएंगे, तो फ्रिज का स्पेस भी काफ़ी बड़ा आपको मिल रहा है, तो काफ़ी बड़ी किचन आपको मिल रही है। दोस्तों अब इसका कॉमन वॉशरूम मैं आपको दिखा देता हूँ। एंटर करते इसमें वैनिटी आपको मिल जाती है, इधर हिंड जितनी आपको बाथ फिटिंग मिल रही है, कंसील फिटिंग मिल रही है, सारी हिंडवेयर की मिल रही है। सिस्टम देख सकते हैं, इधर आपको वॉल हैंग शीट मिलेगी, डायवर्टर मिल रहा है, स्पाउट आपको मिल रहा है,
तो इस तरह की फिटिंग आपको मिलेगी यहाँ पर। और दोस्तों ऊपर भी आपको सरफेस लाइट लगा के देंगे। इस पर एलिवेशन पर देख सकते हैं ये जो आपकी विंडो है, ये आपकी बैल्कनी की तरफ ओपन हो रही है, तो क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा रहेगा। और यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन आपको लगा के देंगे। दोस्तों बात करते हैं इसके लेआउट की। इसमें तीन बेडरूम आपको मिल रहे हैं। एक बेडरूम आपको एंटर करते ही राइट हैंड साइड में मिल रहा है, दो बेडरूम आपको फ्रंट साइड में मिल रहे हैं बालकनी से कनेक्टेड। तो सबसे पहले पीछे वाला बेडरूम मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अपने फर्स्ट बेडरूम में आ चुका है। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो 12 फीट बाय 11 फीट दिया हुआ है, बट इसमें क्या है कि जो वार्डरोब है वो बेडरूम के अंदर ही आपको लगा के दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर स्पेस का 9 फीट हो जाता है अप्रॉक्स, और बेड की तरफ यहाँ पर आपको मिल जाता है वो 11 फीट का स्पेस मिल जाता है। तो 11 फीट बाय 12 फीट का आपको बेडरूम का साइज मिल रहा है। इसमें वार्डरोब भी काफ़ी बड़ी दी हुई है। इसमें देख सकते हैं अप्रॉक्स 5 फीट बाय 7 फीट की वार्डरोब मिल रही है। इसमें मार्बल लैमिनेट का यूज़ किया हुआ है जो काफ़ी अच्छी लग रही है। इसमें हैंडल भी काफ़ी अच्छे स्लिक हैंडल लगाए हुए हैं। इसमें सारे हैंगर रॉड होगी आपकी, और नीचे दराज होगी, और ऊपर लॉफ्ट होगी, सारी चीज़ आपको बना के दे रहे हैं। स्प्लिट ऐसे कंडीट मिल रहा है। आप चाहते हैं तो बेड की पीछे वाली वॉल को हाईलाइट कर सकते हैं, वॉल पेपर से लूवर्स का यूज़ कर सकते हैं, या मोल्डिंग भी बना सकते हैं जैसी आपकी लिविंग स्पेस में बनी हुई है। और दोस्तों इधर ओपनेबल आपको विंडो मिल रही है। आप चाहते हो तो नीचे वाला एरिया भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये ओपनेबल मिल रही है, और विंडो एसी भी लगा पाएंगे तो विंडो एसी का प्रोविजन भी आपको मिल रहा है। ऊपर वर्टिकल को ऊपर साथ फॉल्स सीलिंग वर्क आपको मिल रहा है। इससे अटैच वॉशरूम आपको मिल रहा है। वॉशरूम में आपको दिखा देता हूँ, ये बेथिंग एरिया दिया हुआ है। इधर आपको कंसील टैंक मिल रहा है, और वॉल हैंग शीट मिलेगी। इधर वॉश बेसिन मिल रहा है आपको, और वॉल बेसिन मिक्सचर आपको मिल रहा है जो वॉल के ऊपर ही कनेक्टेड है। काफ़ी टाइल का यूज़ किया हुआ है, टाइल काफ़ी अच्छी लग रही हुई है। और इसमें देख सकते हैं ट्यूबलाइट भी लगा के दे रहे हैं आपको, और ऊपर सरफेस लाइट भी लगा के देंगे। दोस्तों अब चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। दोस्तों इसका ये सेकंड बेडरूम, अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो 9 फीट बाय 14 फीट का आपको मिल रहा है। स्प्लिट ऐसे कंड्यूट आपको मिल रहा है। जितने भी सिस सॉकेट है रिमार्क के साइड टेबल के, सिस सॉकेट भी आपको ब्रांड है मिल रहे हैं, एंकर कंपनी के मिल रहे हैं। बेड के पीछे वाली वॉल है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, वॉलपेपर लगा सकते हैं, आप चाहते हैं तो मोल्डिंग का यूज़ कर सकते हैं, लूवर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए इधर देख सकते हैं आपको UPVC की विंडो मिल रही है जो बिल्कुल रोड पे ओपन हो रही है, जैसे कि आपकी विंडो ख़राब ना हो वेदर से। तो यहाँ पे आपको ग्लास के शटर्स भी मिल रहे हैं, ग्लास के, और चाहते हैं तो इसमें मॉस्किटो भी आप ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सनलाइट के साथ साथ एयर भी प्रॉपर आपको मिलेगी। दोस्तों अब चलते हैं इसके लास्ट बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम के साइज़ की बात करें तो इसमें भी आपको साइज जो मिल रहा है 12 फीट बाई 12 फीट मिल रहा है। इसमें भी सेम टाइल लगाए हुए हैं, एंटायर फ्लोर के अंदर सेम टाइल वर्क आपको करके दे रहे हैं। ये बेड के पीछे वाली वॉल है, इससे भी अपने तरीके से आप चाह सकते हो तो हाईलाइट कर सकते हैं। वार्डरोब आपको मिल रही है 4 फीट बाई 7 फीट की। विंडो एसी का प्रोविजन मिल रहा है, नीचे ओपनेबल विंडो आपको मिल रही है, और ऊपर वर्टिकल कोफ के साथ फॉल्स सीलिंग वर्क आपको मिल रहा है। दोस्तों फ्रंट के दोनों बेडरूम जो बालकनी से कनेक्टेड है, उसकी बालकनी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अब हम फ्रंट की बैल्कनी में आ चुके हैं। जो फ्रंट की बैल्कनी है दोनों बेडरूम से कनेक्टेड है। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो 5 फीट बाई अप्रॉक्स 12 फीट की बैल्कनी आपको मिल रही है। नीचे फ्लोरिंग काफ़ी अच्छी लगाई हुई है, ग्रेनाइट का टॉप आपको मिल रहा है, MS की रैलिंग मिल रही है ब्लैक कलर के पेंट के साथ। और जितना भी कॉमन एरिया है इसमें स्टोन फ्री टेक्सचर करके दे रहे हैं, सीलिंग में भी ग्रोविंग करके दे रहे हैं, और देख सकते हैं आपको ड्रम लाइट लगाई हुई है, और वॉशिंग एरिया का पॉइंट आपको मिल रहा है। दोस्तों पूरा फ्लैट तो आपने देख लिया होगा, ये फ्लैट आपको कैसा लगा और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं आसपास की लोकेलिटी के बारे में और रोड्स के बारे में। रोड्स तो मैंने आपको दिखाते हैं, लोकेलिटी की बात करूं तो ये जो कंपाउंड है इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी लोकेलिटी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट हाउस है और बड़े बड़े फ्लैट हैं, तो लोकेलिटी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। आज जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कौन सी लोकेशन है, आज जो प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाई है राजपुर एक्सटेंशन का ही पार्ट है, महावीर कैंपस ये सोसाइटी है जिसमें एंट्री का एग्जिट है, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है, तो एक बार विजिट करने आप आ सकते हैं। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। दोस्तों कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये जो लोकेशन है ये बिल्कुल वेल कनेक्टेड है आपका, जो आपका तिवोली रोड है, यहाँ से तिवोली रोड बात करें तो 100 मीटर की दूरी पर ही अवेलेबल है, और वहाँ से आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाते हैं जो आपको मेट्रो तक ड्रॉप कर देते हैं। अभी फॉर द टाइमिंग दो स्टेशन आपको मिल जाते हैं येलो लाइन के, कुतुब मीनार और छतरपुर। उसकी दूरी की बात करूँ तो अप्रॉक्स 2 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही अवेलेबल है। और दोस्तों आने वाले टाइम में 2 गोल्डन लाइन के मेट्रो स्टेशन भी आपको मिल जाएंगे, इससे आपका मेट्रो का सफ़र और आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी के लैंड टाइटल की। दोस्तों लैंड टाइटल की बात करूं, आज जो प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाई है रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी है, इजीली फाइनेंस भी आपको मिल जाएगा। और प्राइस की बात करें तो 68 लाख इसका आस्किंग प्राइस है। तो दोस्तों देर ना करें, अपनी विजिट संस्था के साथ आज ही प्लान करें। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। मैं सचिन गहलोत आपसे फिर मिलूँगा,
जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब खुशियाँ नए पते पर।